Assalamualaikum class. Hope so you are all fine. Today we discuss chapter number 4, problem solving. Problem solving, हमारे पास problems क्या होते हैं? हमें आजकल देखें दुनिया में या day by day हम लोगों को routine में बहुत सारी problems जो हैं वो हमें face करना पड़ती हैं. जैसे कि आप students हैं तो आप लोगों का आपका homework जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा problem create करता है. उसके बाद आप लोगों की online classes जैसे अब हो रही हैं तो वो आप लोगों के लिए problem create करती हैं. तो इसका हम लोगों ने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है कि सोल्यूशन हम लोग किस तरह से इसका लेंगे. तो प्रॉब्लम हमारे पास होती क्या है? अब प्रॉब्लम इज़ अ हार्डर डिफिकल्टी और चैलेंजेस और एनी सिचुएशन दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड और सॉल्व. प्रॉब्लम जो होती है वो हमारे पास मुश्किलात हो गई, हमारे पास किसी भी रुकावट कोई हमारे पास आ गई, तो उसको हम लोगों ने सॉल्व किस तरह से करना है. हम लोगों को ज़रूरत होती है उसको रिजॉल्व करने की और उसको सॉल्व करने की. तो उसको हम लोगों ने सॉल्व किस तरह से करना है, उसके हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग. व्हाट इज गिवन? हमारे पास गिवन डाटा जो होगा वो हमारे पास एज अ इनपुट होगी. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स. प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स हमारे पास वो होगी कि हम लोगों ने जो इनपुट ली है उस पर हम लोग जो अपनी प्रोसेसिंग करवा रहे हैं वो हम किस तरह से करवाएंगे. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज रिक्वायर्ड. रिक्वायर्ड में हमारे पास आ जाती है हमारी इनपुट. डेफिनेटली अगर हम लोग इनपुट ले रहे हैं उस पर प्रोसेसिंग करवा रहे हैं तो उसके बिहाइंड पे हमें कोई एक रिजल्ट भी गेन होगा जो हमारे पास होगी हमारी आउटपुट. डिस्कस करते हैं कि द इनपुट. इनपुट हमारे पास क्या है? वी गिव टू द कंप्यूटर एज अ रॉ मटेरियल. कोई भी ऐसा डाटा जो हम कंप्यूटर को देते हैं एज अ रॉ मटेरियल, कि हम लोग ऐसे कोई रैंडम डाटा डाल देते हैं कि ये हमारे पास डाटा है, इसकी हमने कैलकुलेशन करनी है या हमें इसका कोई भी रिजल्ट फाइंड आउट करना है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे? लेकिन हम लोगों ने वो सारी हमें प्रोसेसिंग में बतानी है. लेकिन जो हमारे पास इनपुट डाटा है वो हमारे पास रॉ मटेरियल होगा. कोई भी किसी भी टाइप का हम डाटा जो है वो रॉ मटेरियल पे ले सकते हैं और हम लोग कंप्यूटर में एंटर करवा सकते हैं. जैसे कि मैंने अब आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों का रिजल्ट हम लोग मैनेज करते हैं, तो उसके लिए पहले पहले हमें चाहिए होता है कि हम लोगों ने आप लोगों के मार्क्स, जो आपके मार्क्स होते हैं वो हमारे पास एज अ इनपुट होते हैं. हम लोग उसको एज अ इनपुट कंसिडर करते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले लिए हैं, इंग्लिश, उर्दू एंड कंप्यूटर. तो ये हमारे पास हम लोग कंप्यूटर में एंटर करवाएंगे तो ये एज अ रॉ मटेरियल हमारे पास आएंगे. प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स. प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या होती हैं? परफॉर्म सम एक्शंस और ऑपरेशन ऑन इनपुट डाटा टू अचीव गोल. अपना अचीव करने के लिए अपना गोल जो आपका एम है. अब डेफिनेटली जब हम आप लोगों के मार्क्स लेते हैं तो हम लोगों को उस पर परफॉर्मिंग करनी होती है, उसके मार्क्स सम करने होते हैं, एवरेज निकालनी होती है, परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है. तो उसके लिए हम जो भी प्रोसेसिंग करते हैं वो हमारे पास प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं. हम सम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसकी वो जो हमारे पास सब चीज़ें होती हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए वो हमारे पास होती हैं प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स. अब हम लोगों को यहाँ चाहिए था आप लोगों के मार्क्स का ना फर्स्ट ऑफ ऑल सम चाहिए था. तो हम लोगों ने सम करवाया. आप लोग उस प्रोसेसिंग क्या कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, सम का ऑपरेशन लगा रहे हैं, 3 सब्जेक्ट्स लिए उनकी एडिशन हम लोगों ने करवा दी और हमारे पास हमारी जो है प्रोसेसिंग आ गई कि पूरी जो है ये चीज़ प्रोसेस होकर जो आ रही है आपके पास आ रही है 180 के बाद हम लोगों ने थर्ड पॉइंट पढ़ा था अपना व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. प्रोसेसिंग के बाद जो चीज़ हमारे पास आएगी वो क्या होगी? ऑब्टेन रिजल्ट बाय प्रोसेसिंग द इनपुट डाटा. हम लोगों ने रॉ मटेरियल डाटा लिया, उसके ऊपर हम लोगों ने परफॉर्मिंग करवाई, हम लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म करवाया सम का. उसके बाद जो उसके रिजल्ट में हम लोगों को यानी कि सम का जो रिज़ल्ट हम लोगों को शो हुआ वो हमारे पास हमारी आउटपुट होगी. एग्जांपल में आप लोगों को यहाँ बताया गया तो ये हम लोगों ने यहाँ प्रोसेसिंग करवाई थी. जब हम लोग डिस्प्ले करवाते हैं टोटल मार्क्स में से आपके गेन मार्क्स डिस्प्ले करवाते हैं तो वो इस तरह से होता है, दिस सम इज़ इक्वल्स टू 180. प्रीवियस आप नहीं देख रहे होते, आप सिर्फ अपना परसेंटेज देख रहे होते हैं, अपने टोटल मार्क्स देख रहे होते हैं, तो वो इस कैलकुलेशन से सारा कुछ होकर गुजरता है. नेक्स्ट मूव ऑन फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट इज़ अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट अ प्रोसेस. फ्लो चार्ट आपके पास एक डायमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है कि आप लोगों ने जो जो अपनी प्रोसेसिंग करवाई है उसकी एक बिहाइंड पे डायग्राम होती है कि आपने कंप्यूटर में उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करवाना है. जैसे कि हम लोगों ने इनपुट लिया था यहाँ पे, हमने इनपुट लिया था, इंग्लिश के मार्क्स लिए, उर्दू के मार्क्स लिए, कंप्यूटर के मार्क्स लिए. इनपुट के लिए हम पैरेललोग्राम जो है डायग्राम
वो यूज़ करते हैं, हम लोग अपना जो गिवन डाटा है सारा वो इस शेप में मतलब कि अपना इनपुट लेंगे पैरेललोग्राम में। इस शेप को हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने अपनी करवाई प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए हम लोग रेक्टेंगल ड्रा जो है वो यूज़ करते हैं। रेक्टेंगल में हम लोग अपना प्रोसेसिंग मेथड बताते हैं कि हम लोगों ने प्रोसेस क्या क्या करवाया है। उसके बाद हमारे पास आउटपुट आता है। इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोग सेम डायग्राम यूज़ करते हैं। इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी हम पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने अपनी जो प्रोसेसिंग करवाई है, जो आपके पास यहाँ पे एग्जांपल थी उसके लिहाज से यहाँ पे तीन डायग्राम्स यूज़ हो रही थी। हम फर्दर डायग्राम के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़ क्लास।